So a very good evening to all of you. Is my voice audible to everyone? If you can comment in the chat box, then as per that, we can start. Okay, fine. If it's audible, we can start. So today's session is basically regarding an office survey of NABARD. As all of you know, it is a survey related to rural financial inclusion, right? सो जी मेन फोकस जो है इस सर्वे का है आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन राइट. सो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरे चीजों के बारे में समझना है जानना है. तो व्हाट एरर वी डू व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट एनी सर्वे इज दैट वी स्टार्ट मेमोराइजिंग सम ऑफ द स्टैट्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड ओवरऑल थीम. तो मेन थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस and what relevance this report still has today, because this report is old, but even though this report has relevance, though initially I was not thinking to cover this report, but due to descriptive nature of paper, right, due to descriptive nature of paper, this report is important because you can use some of the statistics in your descriptive paper. If you know these stats, then you can write a good answer, you can fetch good marks. So basically that's why I have thought of discussing the overall session related to NAFIS, and we will conduct this session in such a way that in the form of MCQs. MCQs ke saath saath main aapko aur bhi sari cheeze detail mein batate chalunga, so that you can have overall idea what this overall report is talking about and what are all the important issues from where they can ask question in the prelims or mains. Basically सर्वे से क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आते हैं, मेंस में दे वांट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सर्वे. डिस्क्रिप्टिव में यू कैन यूज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इन राइटिंग आंसर, बिकॉज आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया, तो आप अच्छे पॉइंट्स वहां पे यूज करते हो और ऑफिस सर्वे के कुछ पॉइंट्स को आप वहां पे इनकल्केट करते हो, इनकल्केट दोस पॉइंट्स इन योर आंसर, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स राइट. सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं सर्वे के बारे में, जब आपने ऑफिस को पढ़ा होगा, तो ओवरऑल इन एरियाज में ऑफिस का जो स्टडी है यहाँ पे रोटेट करता है, ठीक है. It starts with your asset ownership, source of livelihood, consumption, indebtedness, investment, household saving, insurance and pension, microfinance and जो भी नॉलेज बेस्ड होते हैं माइक्रोफाइनेंस से रिलेटेड, वो चीज आपको जाननी एंड पढ़नी है राइट. तो अगर हम जब देखते हैं सारी चीजों को, तो इनमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इनडेटनेस या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें जो इस रिपोर्ट में बताई गई है, दीज एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया ओनली. अदर इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, वट आर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, वट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड आर देयर, और यू कैन हैव सम ऑफ द कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, विच स्टेट आर डूइंग वट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन राइट. तो इन सारी चीजों को देखते हुए टुडे विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स योर आंसर्स, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू विल बी एबल टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन दैट हु डू नॉट हैव पेशेंस, प्लीज डोंट अटेंड दिस सेशन, यू कैन लीव सेशन राइट नाउ. हु हैव पेशेंस टू कवर ऑल द 35 क्वेश्चंस, दे कैन ओनली स्टे हियर, तभी आपको रियल बेनिफिट होगा. हु डू नॉट हैव पेशेंस, प्लीज यू कैन लीव राइट नाउ ओनली, देन रेस्ट ऑफ द पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. साथ ही साथ व्हाट आई विल रिक्वेस्ट वन मोर थिंग इज दैट यू हैव योर नोटबुक एंड पेन विथ यू एंड यू जॉट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट फिर से आपको इन सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी के अभी इसी आधा या एक घंटे के सेशन में आप सारी चीजों को समझ लो और नोट कर लो, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो. फिर से देखना, फिर से पढ़ना, डू नॉट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, तो यू कैन स्टार्ट आंसरिंग, देन आई विल डिस्कस द थिंग्स अलोंग विद दैट. विच ऑफ द हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल एसेट हैज मैक्सिमम ओनरशिप एज पर नाफिस रिपोर्ट, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस. शिबो, मैक्सिमम पर्सन आर गोइंग अ ट्रैक्टर. सी, दिस क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर फार्म इंजीनियरिंग ऑल्सो, फार्म इंजीनियरिंग ऑल्सो. And if any question they ask from farm mechanization in descriptive paper, farm mechanization se agar wo koi question poochte hain, if they ask, you can inculcate this data, this percentage, if you can remember that still the farmers in our country do not have
हाई वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एसेट्स, उनके पास नहीं है वो एसेट्स, ठीक है। वो फिगर आपको अभी दिखेगा, क्यों दिखेगा, somebody saying sprinkler, so I will give you the right answer for this. You can see the graph, proportion of household owning high value agricultural assets, ठीक है? यहाँ पे tractors का जो percentage है सबसे ज्यादा है, that is 5.2, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, only it is 5.2 among the all, so this is very low. So from here you can draw some inference related to farm mechanization in India, and you can use this statistics in your examination for the descriptive paper also. अगर हम स्टेट की कंपैरिजन करें, if we compare the states, the Punjab, as you know, the Punjab is highly technical, so Punjab में सबसे ज्यादा है, second rank goes to Gujarat, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा high value assets को purchase किया गया है. तो ये answer क्या हो जाएगा, the answer for this question will be tractor, ठीक है. So this question was related to investment, जो रिपोर्ट है उसमें से ये क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, ठीक है. आप कैटेगराइजेशन भी साथ साथ देखते चलिए, तो अगर कैटेगराइजेशन को आप सही से देखोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिमेंबर द थिंग्स. ब्लाइंडली याद रखने से आपको चीजें याद नहीं रहेंगी. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ हाउस होल्ड आर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड. ये क्वेश्चन पहले भी नवार्ड में पूछा जा चुका है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So Nishant is saying 48, Shiva is saying 48, anybody else with the different options. तो जिन लोगों को नहीं पता आप साथ साथ नोट करते चले अपने कॉपी में, यही सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट. सो दी वॉट विल द राइट आंसर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैटेगरी व्हाट, क्लासिफिकेशन. तो अगर हम देखते हैं तो हाईलाइट्स में दिया गया 48% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड क्या है, टोटल हाउस होल्ड में 48% है एग्रीकल्चर. तो एक हाउस होल्ड को जब आप क्लासिफाई करोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड एज पर दिस सर्वे, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड AH एंड नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड. तो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इज 48, इससे आप माइनस कर लो जितना बचा आपका 52 विल बी दी नॉन एग्रीकल्चरल. तो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले या क्वेश्चन ये पूछ ले, तो एक अगर आपको याद है तो दैट मीन्स यू कैन रिकॉल बोथ द थिंग्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. 48% यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज number of agricultural households. Now coming on to the question number 3, which of the southern states shows average monthly income per household to be highest as per NAFIS report 2016-17? Sorry, if you can escape that question, that was another question. Question number 4 is, sorry for that, which is the source for highest income for all household as per NAFIS report 2016-17? Which is the source for this question is related to income category. Rajat is saying wage, C. Most of the answers are coming at as C, wage. Virendra is saying cultivation. Dekhiye, yahan pe आपको जब भी एग्जामिनेशन में, when you came come across this question, clearly you find it out whether they are asking for all agricultural all household or they are asking for non-agricultural household or they are asking for agriculture. तो इन तीनों चीजों को ध्यान में आपको देखना है कि वो इस कैटेगरी से पूछ रहे हैं, इस कैटेगरी से पूछ रहे हैं, और they are asking from this category. So here they are asking for overall, that is agriculture plus non-agriculture, दोनों को sum करके पूछा जा रहा है. So whenever this question asked related to both the things, the answer will be the wage labor. अगर यहाँ पे सिर्फ agricultural household होता तो in that case the answer would have been cultivation. But overall पूछा जाए तो answer will be wage labor. ठीक है. So here is the graph in front of you, जो है देखिए cultivation, अगर हम agricultural household की बात करते हैं, when we talk about the agricultural household, then cultivation aspect में देखिए 35% from there having income from here. Wage labor, it is only 34%. If you talk about the non-agricultural, here it is 54%. ठीक है, तो non-agricultural के केस में wage labor will be the highest. Overall बात करें तो फिर again highest will be 43%, this wage labor only. But if they ask only for AH, then answer will be cultivation. आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान से देखना है. Now question number 5, what proportion of agricultural household reports saving in institutions as per NAFIS report. Important question, because this is a basic question related to financial inclusion. What was the basic theme of the survey, financial inclusion. So yahan pe savings pucha ja raha hai aapse. Rajat is saying 43, Sachin is saying 45. Okay,
what proportion of agricultural household reports saving in institution as per NAFIS? 53. Maximum people are saying it as 53. So we will look out what the answer will be. See, as they have given in the highlights, you can see the agricultural household reports 52.8%, right? यही all agricultural households की बात करते 48 and non agricultural household की बात करते 44.6. This is the values what they have given in the report. तो देखिएगा जब भी आप एक का अगर value याद रखते हो, if you try to remember one value, then both the values will be near about that value only. ठीक है? तो all agricultural all households का value जो that is middle value, तो इससे थोड़ा कम होगा और नॉन एग्रीकल्चरल का उससे थोड़ा ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों एक चीज हो सकते हैं. तो राइट आंसर फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर 53%, एग्जैक्ट इज 52.8. तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड सेविंग्स की तरफ इंक्लिनेशन है, दैट इज 53% विल बी द राइट आंसर. आपको ये याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज सेविंग इन द लास्ट वन ईयर पर एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एज पर नाफिस रिपोर्ट 2016-17. व्हाट इज द एवरेज सेविंग, अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंक्लूजन. सेविंग होगा तभी तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं पे. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, बी एंड सी. मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग विद बी एंड सी. 9650, ओके, राइट. 9657, ओके, वेरी गुड. सो एग्जैक्ट डेटा इज 9657 एज सेड बाय समबडी. सो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स बाय एवरेज सेविंग्स, यू कैन सी for its agricultural household it's 9657. So we have taken it roughly it as 9650. Non agricultural household ki dekhiye savings ki baat kar rahe the, comparison you can make, they have less savings. Non agricultural household have less savings. Overall ki baat kar rahe the 9104. theek hai, to ye aapko yaad rakhne hai aap pe. To right answer will be for this question will be C, 9650. Exact is 9657. Very good, Ujjwal, Naveen, very good. 9657. Question number 7. In which of the following sectors maximum investment is made by household as per NAFIS report? In which of the following maximum investment has been made? Financial assets, physical, लोन. सो देखिए यहां पे दे आर आस्किंग व्हाट, व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट, इन्वेस्टमेंट. इज लोन ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या ये लोन इन्वेस्टमेंट का टाइप है? नेवर. तो ये तो हो ही नहीं सकता. सो समबडी इज सेइंग लोन, लोन कैन नॉट बी द आंसर. जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स के बारे में, इनटेंजिबल भी नहीं होगा. तो फाइनेंशियल एसेट्स रूरल एरिया में उतना ज्यादा, ठीक है, पॉपुलर नहीं है. ठीक है, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन परचेजिंग लैंड, दे आर इन्वेस्टिंग इन परचेजिंग मशीनरीज. तो डिफरेंट फिजिकल एसेट्स में ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो राइट आंसर विल बी फिजिकल एसेट्स एज गिवन इन द सर्वे. ओवरऑल 73% ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द फिजिकल एसेट्स. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ओवरऑल जो है टोटल 73% जो है हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. और एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि ये जो 73% इन्वेस्ट हो रहा है इसमें से कहाँ से आ रहा है, प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड, कितने हाउसहोल्ड है जो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. ओनली 10.4% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड आर एबल टू इन्वेस्ट. ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर में और भी ये कम हो जाता है. तो ये आपको जरूर याद रखना है कि ओनली 10.5 आर एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट, एंड इनमें से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम 73% आर इन्वेस्टिंग इन व्हाट, दे आर इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एसेट्स. ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए एग्जामिनेशन में. It is not necessary that you know answer for all the question in examination, but a certain intelligent guess can help you in deriving the right answer. So, जब भी आप कुछ भी answer करो तो question हमेशा ध्यान से पढ़ना. Always you have to read the question properly. When you are solving PPP only, many queries I am getting, but you people are not reading the questions properly. Question properly पढ़िए, वहाँ क्या पूछा जा रहा है उसके तौर पे फिर आपको answer वहाँ पे select करना है. Now question number, just a second, H. Very important question, that is incidence of indebtedness. What is incidence of indebtedness in percentage term for agricultural household as per NAFED's report 16-17? Very important question.
IOI. What is IOI? Somebody will define what is IOI is equal to what? Somebody will give the definition. Yes, answer I am getting, that is okay. But one more thing I will tell you, when you are preparing for NABARD, ek ya do kuch bhi technical words aate hai that seems to be simple, but what you people should know is the basic definition of that. Agar youth word aa raha, agar aap koi report par hai, fir reading any report say youth. So what is the standard definition for youth? You must know. Agar aap maan lo USIDA report par hai related to education. A word comes elementary education. So what does that elementary denotes? हमेशा देखोगे नबार्ड में इस तरह के टेक्निकल वर्ड से वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं. ऑलवेज दे आस्क. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर ए टेक्निकल वर्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू ट्राई टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर दैट वर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग डेट, अगर हम एक एरिया की बात करें तो IOI रिप्रेजेंट्स योर एनी पर्सन हु हैज टेकन एनी वन लोन, कोई भी एक लोन दिया हो, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन. Divided by total population of that area gives incidence of indebtedness. So what will be the right answer? As maximum people has given 52.5%. So you can see here agricultural household mein IOI ka value jo hai 52.5 hai, but non-agriculture kyunki unhone kuch agriculture ya cultivation nahi karna tha, obviously the IOI value will be less. So this figure is very important. You must remember that IOI value for agricultural household is 52.5%. ठीक है, note करते चलिएगा so that you people can remember for longer time. What is percentage of agricultural household that took any loan in last one year as per NAFIS 2016-17? ये question इसलिए important हो जाता है. Again, this question goes towards the inclusion concept. ठीक है, इससे हम चेक करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज में कितने लोग कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लोन कितना ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल से कितना ले रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल से कितना ले रहे हैं. उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड दैट टुक एनी लोन. ठीक है, 43%. सो पीपल आर गोइंग विथ 43%. ओके, एनीबडी एल्स विथ डिफरेंट आंसर? वेरी गुड, यू आर गोइंग 43%. Okay, so we'll look for this answer. As somebody given the exact data, that is 43.5%. Jo incident ye date hai wo liya gaya last one year mein, that is 43.5. All household ke liye that is 40.2, and non agricultural ki baat kare to again it will come down, that is 37.2. So this data is again very important. Kitne logon ne loan avail kiya last one year mein, that is 43.5%. Aapko yaad rakhna hai, very important for your examination. Now coming on to this question, what is the percentage of household that took loan in last one year was from institutional source, was from institutional source as per NAFIS report? आ गया ना, अभी हमने देखा कि लोन किसने लिया, अब हम देख रहे कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स से कितने लोगों ने लिया टोटल में. दीपक इज सेइंग 51, शालुषा 59%. Anybody else? 51, 59. Anybody else with different figure? Raja is saying 40. Naveen is saying 59. Okay. Rahul is saying 59. Okay. So this question is very important. Again, आपको ये figures आप देखो तो ज़्यादा आपको याद रखें. I will present figure in front of you. Distribution of household who took any loan by source of loan. ठीक है, यहाँ पे percentage के terms दिया है. 59, whopping 59% is from institutional sources. So ye data reveal karta hai ki now we are moving from non-institutional sources to institutional sources. You can use this data in writing descriptive answer. That's why when I started, I said that many points are there in this report which you can inculcate in writing different types of answer in the mains examination. So isi chalte maine is session ko liya hai aapke saath. So the right answer for this question will be your 59%. Aapko yaad rakhna, very important. This is the institute, because in syllabus you will get directly that they have asked that what are all the institutional and non-institutional sources of credit for the farmers. So you can relate directly from the syllabus part that this question is coming from directly from the syllabus.
So this question again becomes important for your examination, क्योंकि syllabus में भी directly दिया गया है कि institutional source and non-institutional source के बारे में आपको पढ़ना है, तो यहां से हम NAFIS report से उसको relate करके देख सकते हैं, तो ये question आपके लिए important हो जाता है. Now coming on to the question number 11. What is the proportion of household with at least one member having any form of insurance? Now we are talking about the insurance penetration. The categorization is insurance. Because micro financial inclusion में हम सब चीजें पढ़ते हैं. Insurance is also a part of financial inclusion, right? तो यहाँ पे हम insurance की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका right answer? What percent? Anshumala is saying 25%. Good. Anybody else? 25% insurance penetration. We are talking about insurance penetration here. Insurance penetration is also a measure of financial inclusion. Sachin is saying 25. Okay. Naveen, 25. So it's very easy to remember 25 is 1/4, that is 1/4. So 1/4 ही, that is the right answer, 25% ही होगा जिनको इंश्योरेंस में, ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट इनरोल किया है. तो हेयर यू कैन सी द ग्राफ, ऑल हाउसहोल्ड्स की बात करें यहाँ पे तो 25% आ रहा है, राइट. 26 एग्रीकल्चर एंड 25 नॉन एग्रीकल्चर, दोनों में सेम सेम है, ये एग्रीकल्चर वाला में थोड़ा सा ज्यादा है. Now coming on to the next question, which is the most popular financial instrument used by agriculture household as per NAFIS? Which is the most popular financial instrument used? A. Rajat is saying B. We are asking as per NAFIS report. ठीक है, we are asking as per NAFIS report. थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना है. We are asking as per NAFIS report. ATM. Shudhanshu is saying ATM. Rahul is saying withdrawal slip. ATM. So as per NAFIS report, when we'll observe the things, they are not talking anything about the withdrawal slips. Withdrawal slips के बारे में report में कोई भी बात नहीं किया गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज दे आर सेइंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन एटीएम्स, ठीक है, 23.6%. तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एटीएम एज सेड बाय मेनी ऑफ द पीपल, नॉट 73%, इट्स 23.6%. व्हिच ईयर इज रेफर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट? व्हिच ईयर इज रेफर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट? डायरेक्टली गिवन इन दिस सर्वे, सर्वे में स्टार्टिंग पेजेस में ही इसके बारे में लिखा हुआ है. Bhanu is saying 2005. Bhanu is saying 2005. Anybody else? Nishant, 2005. Right? Rahul, the right answer for this question is 2005 only. 2005 is referred as International Year of Microcredit. Which of the monetary amount from sale of agri product? Dhyan se padhiyega is question ko. Which of the monetary amount from the sale of agri product represents agriculture household as per NAFIS report? Which of the monetary amount from sale of agri products represents agriculture household? This comes from the definition of agriculture household. Few days back, I have given a card also on this in group. A card bhi maine float kiya tha. Agriculture household ko aap kaise define karte ho? So Bhanu is saying, Virendra 5,000. Sachin is saying 5,000. Nishant is saying 5,000. Baba is saying 5,000. So most of the people, 99, 100% are going with one answer, that is 5,000. Anybody else with a different answer? Anybody else with a different answer? Pawan is saying no. Pawan, not 3,000. So I think all of you have given wrong answer for this question. इसीलिए मैंने बोला था कि ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को. ठीक है, इन्होंने पूछा है एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड. ठीक है, तो जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आई विल ब्रिंग द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज सेइंग वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस मोर देन 5,000. क्यों एक एक वर्ड आप छोड़ देते हो, इसी में गलती करते हो. मोर देन 5,000 इट इज डायरेक्टली सेइंग. सो व्हाट इज मोर देन 5,000? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं. 5,000 से ज्यादा की बात हो रही है, तो राइट आंसर विल बी 6,000 हियर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? Why 6,000? Why not 5,000? Is it clear from the definition? You can read the definition once again, because this definition is very important. Sale of produce more than 5,000. It is not saying 5,000. 5,000 ek rupee, 5,000 do rupee, 5,000 teen rupee, that can be the right answer. But 5,000 will not be the right answer, right? Because it is saying more than 5,000.
ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6000 नॉट 5000। इसीलिए मैंने बोला था एक एक वर्ड का जो होता है इंपॉर्टेंस होता है एग्जामिनेशन में, आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा एंड ऑप्शंस को भी यू ट्राई टू रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, इसी में नेगेटिव मार्किंग हम कराते एग्जामिनेशन। विच ऑफ द स्टेट हैज मैक्सिमम एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड एज पर नाफिस रिपोर्ट। अभी हमने देखा कि 48% क्या है, 48% हाउसहोल्ड आर एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड, राइट। तो अब यहां से पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड है। बी, आई हैव शेयर्ड दिस इन द कार्ड आल्सो फ्रेंड्स, कार्ड्स में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू द कार्ड्स इन द ग्रुप, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। जो भी स्टैटिक सीरीज के कार्ड्स फ्लोट किए जा रहे हैं, जो भी स्कीम रिलेटेड कार्ड फ्लोट किए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम देयर। कार्ड्स को आप सीरियसली लीजिए, एक जगह कंपाइल कर सकते हो तो कर लो, ऑल द इंपॉर्टेंट इश्यूज आर ओनली बीइंग फ्लोटेड इन द कार्ड्स। तो कार्ड्स को ध्यान से पढ़िए, कार्ड्स में मैंने क्लियरली लिख रखा था कि 48 मेघालय विल बी द राइट आंसर। मेघालय में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, क्यों है, ये ग्राफ आपके सामने, आप कंपेरिजन कर लो। यहाँ पे देखो 78% मेघालय, 78% और किसी का इससे ज्यादा नहीं है, तो राइट आंसर विल बी मेघालय। मेघालय हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो हम मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हियर, आप यहां से देख के फाइंड इट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ऑल इंडिया बेसिस पे भी देख लो। देखो 48 हमने अभी पढ़ा था ना, 48% इज एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड, तो वहीं से रिलेट करके दिस क्वेश्चन एज इन फ्रेम, तो कहां पे सबसे ज्यादा है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम, तो इट इज मैक्सिमम इन वेयर, मेघालय। एवरेज एज ऑफ हाउसहोल्ड, एज रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आई हैव इंक्लूडेड एज पर नाफिस रिपोर्ट, इज कितना है, कितने एवरेज एज, व्हाट इज द एवरेज एज। तो आंसर मैं डायरेक्टली यहां से ले लेता हूं, एवरेज एज तो है एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड के लिए इट इज 49, इट इज 49 एंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल इट इज 46। तो दोनों थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है कुछ डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कुछ क्वेश्चन आए तो वहां पे आप रिलेट कर सकते हैं, फार्मिंग सेक्टर को अगर रिलेट करना है कुछ, ठीक है, तो यू कैन यूज ओवर देयर। व्हाट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल, ये इलिटरेट्स, लिटरेसी में यूज कर सकते हैं, हर्डल्स इन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या हर्डल्स है, तो वहां पे ये डेटा आप यूज कर सकते हो। इलिटरेसी कितना परसेंट है, वीरेंद्र सिंह 32, नाइस, नवीन सिंह 32, नाइस। तो कैसे आपको देखिए पॉइंट्स यूज करने हैं, वो भी ब्लाइंडली मत पढ़ा करो, आप देखो कि सिलेबस में क्या दिया गया, वेयर यू कैन यूज दिस पॉइंट्स। डिस्क्रिप्टिव का इंपॉर्टेंस ही वही है कि कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो हर चीजों को, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई विल स्टार्ट द सेशंस फॉर डिस्क्रिप्टिव सून ही, मैं स्टार्ट करूंगा। समबडी सेंड अ मेल मी टुडे, the mail was very good, that weekly आप सर एक दो क्लास एटलीस्ट ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, एंड आई एग्री विथ हिज मेल एंड आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम 15th of August। वीकली मैं एक दो क्लास डिस्क्रिप्टिव के भी आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलिटरेट क्या है, 32.2% इलिटरेसी है, ठीक है। तो बाकी जितने भी आते हैं वो लिटरेट्स हैं, तो अगर लिटरेसी पूछ लिया जाए तो माइनस कर लो 100 माइनस 32.2 या 32 ही कर लो, तो 68 जो होगा वो क्या होगा, लिटरेसी रेट होगा। इलिटरेसी 32.2 इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। ऑन द होल टेकिंग ऑल हाउस होल्ड कंबाइंड द एवरेज साइज ऑफ लैंड ओन्ड वाज हाउ मेनी हेक्टेयर्स पर हाउस होल्ड एज पर नाफिस। इंपॉर्टेंट, इसको आप एग्रीकल्चर सर्वे से कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ 2015-16, ठीक है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो कितना है साइज, व्हाट इज द एवरेज साइज, ए नवीनी सिंह, ए शिवू सिंह, ए ओके, व्हाट इज द साइज एज पर एग्रीकल्चर सर्वे के हिसाब से कितना है एवरेज, एवरेज लैंड होल्डिंग, यस भानु, गुड, इट 0.8 हेक्टेयर्स, इट 0.8 1.08। सो एज पर नाफिस रिपोर्ट इट इज 0.54। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे इस डेटा को तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में कितना है एंड ऑल हाउस होल्ड की बात करें तो कितना है, इट्स नियर अबाउट 1, तो 1 and 1.08, देखो दोनों सर्वे में लगभग बराबर ही आ रहा है, राइट। तो ये आपको देख लेना है, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में इट विल कम अराउंड योर 0.5, 5.4%। तो यहाँ पे अगर स्टेट्स की बात की जाए तो राजस्थान की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्या होगा एंड नागालैंड, तो दोनों तरह की बात करें, राजस्थान, व्हेन विल द राजस्थान सही आंसर कब होगा, व्हेन इट विल द राइट आंसर, व्हेन वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल
that is agricultural household plus non-agricultural household. But if they specifically ask about the agricultural household, तो वहाँ पे नागालैंड में सबसे ज्यादा है, नागालैंड में सबसे ज्यादा है ये. ये क्वेश्चन फिर आएगा, we'll see in the next question. Which of the following state has maximum percentage of leased out and leased in land as per NOPES report? ये क्वेश्चन आप कनेक्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से. इफ यू हैव सम क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द डिस्क्रिप्टिव, यू कैन रिलेट दिस पॉइंट ओवर देयर. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप रिलेट कर सकते हो. तो व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लीज्ड आउट एंड लीज्ड इन? पहले तो आप ये बताओ कि लीज्ड आउट और लीज्ड इन में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन LI एंड LO? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LI एंड LO? व्हेन यू आर गिविंग लैंड फॉर रेंट, इट इज लीज्ड आउट और लीज्ड इन? जब आप रेंट के लिए दे रहे हो अपने लैंड को, दैट इज LI और LO. प्लीज कमेंट, दैट इज LI और LO. व्हेन यू आर गिविंग लैंड टू समबडी, दैट इज LI और LO. श्याम मिश्री इज सेइंग LO. LI, so confusion is there between LI and LO. Clear कर लेना, clear कर लेना इस चीज को. Don't confuse in this. Maximum people are having confusion in this. देखिए, leased in. आपके पास घर है, you have a home and you want to give this upon rent. तो किरायेदार बाहर से आ रहे हैं ना, तो आप lease in कर रहे हो. When you are giving your land, that is leased in. थोड़ा सा opposite सुनने में लगता है, बट मीनिंग क्लियरली आप समझ लो. जब आप अपने लैंड को दे रहे हो, दैट वी कॉल इट एज लीज्ड इन. ठीक है, जब आप ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीज्ड आउट. ठीक है, तो लीज्ड इन एंड लीज्ड आउट के कंसेप्ट को याद रखिएगा. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द राइट आंसर, पंजाब एंड हरियाणा इज द आंसर गिवन बाई राहुल. लीज्ड इन, लीज्ड आउट में कौन ज्यादा है, लीज्ड इन में कौन ज्यादा है? अब देखो यहाँ पे ग्राफ, एज पर दिस ग्राफ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. देखो ये ग्रीन वाले जो बास है, दैट इज शोइंग योर व्हाट, इट इज शोइंग योर लीज्ड इन लैंड. तो लीज्ड इन में जब आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इट इज कमिंग फॉर बिहार, दैट इज 28. तो जब भी हम लीज्ड इन की बात करें तो दैट इज योर मैक्सिमम लीज्ड इन की बात करें, दैट इज योर बिहार. क्यों बिहार में लीज इन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि आप पता है कि बिहार में मैक्सिमम कैटेगरी आर वर्कर्स, तो वो बाहर चले जाते हैं तो अपने लैंड को किसी को दे के चले जाते हैं कि आप कल्टीवेशन कर लो. या फिर बिहार से बहुत से जो पॉपुलेशन है माइग्रेट करके अलग जगह चले जाते हैं, तो वो लीज अपना लैंड दे देते हैं. ठीक है, तो लीज इन कर देते हैं. तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, लीज्ड इन है. बट हम लीज्ड आउट की बात करें तो दैट इज मैक्सिमम इन योर वेस्ट बंगाल. तो लीज्ड आउट इज LO इज मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल एंड LI इज मैक्सिमम इन बिहार. तो इस सिंपल कंसेप्ट से आप याद रख सकते हो कि क्यों बिहार में सबसे ज्यादा लीज इन होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं तो जो भी लैंड होता है किसी और को वो किराए में दे देते हैं कि आप उस पर खेती कर सकते हो. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी 35 क्वेश्चंस टोटल आर देयर, वी हैव रीच्ड टू क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, सो हैव पेशेंस, इट वोंट टेक मच टाइम. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ऑल दी क्वेश्चन विल फिनिश इट बाय टुडे ओनली. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं. As per NOPES survey 2016-17, average size of land possessed by agricultural household. देखिए वहां पे 1 दिया था, यहाँ पे 1.1 दिया, तो roughly इन्होंने calculate करके वहां पे 1 बताया हुआ, but exact value is 1.1. Average size of land possessed by agricultural household is 1.1 hectare. ठीक है, which of the following state it is highest? Nagaland is coming answer. नागालैंड, ठीक है, नागालैंड. देखिए यहाँ पे agricultural households की बात हो रही है, तो नागालैंड will be the right answer. अगर ओवरऑल की बात हम कर देते तो आंसर क्या हो जाता, ओवरऑल की बात कर देते तो आंसर हो जाता वहां पे राजस्थान. तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है व्हाट दे आर आस्किंग. तो यहाँ पे नागालैंड होगा. ओवरऑल की जब हम बात करें, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, द आंसर विल बी योर राजस्थान इन दैट केस. ये ग्राफ है आपके सामने, यू कैन पॉज एंड यू कैन लुक इन टू दिस ग्राफ. ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडिया एग्जिबिट लोएस्ट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एज पर NOPES 2016-17? थोड़ा सा इस पे आप सोच के देना आंसर. यू विल डिराइव, आपको नहीं भी पता है तो आप डिराइव कर लोगे आंसर यहाँ से. विच पार्ट ऑफ इंडिया एग्जिबिट लोएस्ट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एज पर NOPES 2016-17? सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न. राहुल थोड़ा सा सोचो, नॉर्थ ईस्टर्न हो सकता है क्या? निशांत, थिंक इट अबाउट, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है क्या?
लैंड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट में, अभी हमने पढ़ा था नागालैंड में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, तो वाई नॉर्थ ईस्ट कैसे हो सकता है आंसर उसको? सुधांशु नॉर्थ, तो थोड़ा सा इसको हम जब देखेंगे तो इस ग्राफ से भी क्लियर होता है, आप पॉज करके बाद में देख लेना कि अगर आप देखोगे बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या झारखंड वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लैंड और पॉपुलेशन प्रेशर काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर काफी ज्यादा है, इस चलते यहाँ पे लैंड डिविजन काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम इस एरिया में जो आपको मिलेगा मैप में आप देखोगे पूरे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा हो जाता है, त्रिपुरा को अगर हम छोड़ दें, त्रिपुरा को छोड़ के बाकी हर जगह होल्डिंग्स काफी बड़े बड़े हैं, बट इफ यू कम इनटू द ईस्ट पार्ट दैट इज बिहार यूपी वाले जोन में, तो वहां पे सबसे ज्यादा ठीक है डिविजन है, तो वहां पे होल्डिंग सबसे कम होंगे, तो ईस्ट यू कैन मार्क इट, ईस्ट जो होगा सही आंसर होगा, इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप बाद में इसको एनालाइज करोगे। विच ऑक्यूपेशन मेन आर एम्प्लॉयड इन मैक्सिमम नंबर एज पर नाफिस 2016-17, विच ऑक्यूपेशन, इसको मैंने अभी डिटेल में समझाया था आपको, तो वट इज द राइट आंसर फॉर दिस, विच ऑक्यूपेशन मेन आर एम्प्लॉयड इन मैक्सिमम नंबर एज पर नाफिस रिपोर्ट 2016-17, वेज लेबर, राइट, वेज, सोच के देना आंसर, यहाँ पे उन्होंने बाइफर्केट किया है इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वीमेन, ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि कहाँ पे कितने ज्यादा ऑक्यूपेशंस होंगे, तो वी विल कम ऑन टू द ग्राफ ऑफ दैट, बट नाबार्ड हैज गिवन, सो हियर इज द ग्राफ, तो यहाँ पे बताया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया जब इन्होंने बाइफर्केट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 27.8 आ रहा है, ठीक है, 27.8 है, तो यू शुड गो विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर यहाँ पे बाइफर्केशन को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर फीमेल्स की बात करें तो डोमेस्टिक हेल्थ में सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक हेल्थ दैट इज 59.4%, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। व्हाट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड आर रिफर्ड एज सेवर हाउसहोल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सेवर हाउसहोल्ड, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय सेवर हाउसहोल्ड, व्हाट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, सेवर हाउसहोल्ड जो सेविंग्स करते हैं लास्ट वन ईयर में, जिन्होंने कहीं ना कहीं सेविंग्स किए हैं, सिंपल वो है सेवर हाउसहोल्ड, तो नाफिस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है ये परसेंटेज, या सो एज पर नाफिस रिपोर्ट आप देखोगे तो ऑन द होल 51% हाउसहोल्ड आर अफर्म्ड टू हैव सेव्ड एनी मनी, ठीक है, 51% जो है कहीं ना कहीं इन्होंने सेव किया है, तो अगर हम एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड की बात करें तो ये वैल्यू हो जाता है 55%, नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो 46%, तो फिर अगेन आपके पास तीन चीजें आ जाती है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर और जनरल, तो जनरल ओवरऑल बात करें तो 51, एग्रीकल्चर जैसा कि इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो 55%, अगर एवरेज पूछ लीजिए नॉन एग्रीकल्चर के लिए इट्स 46, तो तीनों को आप डेटा याद रख सकते हैं, तो एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 55% जो सेवर हाउसहोल्ड्स है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, बैंक्स में सबसे ज्यादा देखो 79.8% दे आर इन्वेस्टिंग देयर और सेविंग देयर मनी, ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी योर 55%। व्हाट वाज द मोस्ट रिनोमिनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एज पर नाफिस 2016-17, इनकम कहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है, देखो लोग लगे हुए दैट इज डिफरेंट, नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग फॉर कल्टिवेशन दैट इज डिफरेंट, बट सबसे ज्यादा पैसा किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द मनी दे आर रिसीविंग, दोनों में क्लियरिटी रखिएगा कि सबसे ज्यादा लोग तो हमने देख लिया कि लगे हुए हैं बाइफर्केशन के हिसाब से, ठीक है, लाइव स्टॉक, तो देखो जो नाफिस ने रिपोर्ट दिया है वहां पे ये बताते हैं जो मैक्सिमम, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वेज लेबर से सबसे ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर, ओवरऑल की बात करें तो 43% दे आर अर्निंग फ्रॉम द वेज लेबर, जो पैसा मिल रहा है उनको सबसे ज्यादा यहाँ से ले रहे हैं, बट अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में तो हेयर इट इज कमिंग फ्रॉम द कल्टीवेशन एस्पेक्ट ओनली, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इनिशियली, ठीक है। एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा इसका आंसर, इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द स्टेट, कहाँ हो सकता है ये, पंजाब, वेरी गुड,
पंजाब को पता है हाईली टेक्निकल है, सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन है, तो पंजाब विल बी द राइट आंसर। इस ग्राफ को आप बाद में पॉज करके देख लेना, पंजाब ही होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लो पूरा ओवरऑल इंडिया का दिया हुआ है 8931 कितना है सेविंग, यहाँ पे 8059 दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। विच स्टेट शोज मैक्सिमम सेविंग बिहेवियर, सेविंग बिहेवियर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेविंग बिहेवियर सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ हो सकता है, इसका क्वेश्चन भी आपको पता है, आपने भी कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया है इसके बारे में भी, सेविंग कहाँ हो सकती है सबसे ज्यादा, नागालैंड, डी ए, ओ मिक्स रिस्पॉन्स, तो विल सी। देखिए ये ग्राफ दिखा रहा है आपको सेविंग्स के बारे में यहाँ पे, तो जब आप देखते हो तो सबसे ज्यादा ग्राफ आपको सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, मेघालय, मेघालय 99, आसपास भी कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा सेविंग बिहेवियर जो परसेंटेज टर्म्स में है वो मेघालय में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेघालय में सबसे ज्यादा सेविंग्स किया जाता है, वहाँ पे जितने भी मान लो 10 ही फैमिलीज है तो सब उसमें 99%, दैट इज 9 ऑफ देम आर सेविंग समथिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, मेघालय आपको याद रखना, बाकी डिटेल आप थोड़ा सा एनालिसिस पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट हैज हाईएस्ट मंथली कंजम्पशन, ठीक है, मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप इसको अंदाज लगा सकते हो, जो इन जिसके पास सबसे ज्यादा इनकम होगा वही एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, राहुल पंजाब, ओके, एनीबॉडी एल्स विद डिफरेंट आंसर, पंजाब, ओके, तो सिंपल है पंजाब ही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम है तो खर्च भी वही करेंगे, ये ग्राफ से आप देख सकते हो इस चीज को। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एवरेज सेविंग मेड बाय सेवर हाउसहोल्ड इन लास्ट वन ईयर, लास्ट वन ईयर, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही है जो कि मेघालय में था, यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सेव कर रहा है, तो जो कमा रहा होगा वही सेव कर रहा हो, तो अगेन पंजाब विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट मेड इन लास्ट वन ईयर बाय स्टेट एज पर नाफिस रिपोर्ट, विच स्टेट हैज मेड हाईएस्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे बात आएगी, कैटेगराइजेशन, कमा रहे हो ठीक है, खर्च कर रहे हो ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अगर आप मान लो फिजिकल एसेट्स कर रहे हो तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है ये चीज, पंजाब, यहाँ पे देख लो ग्राफ से, पंजाब इज द राइट आंसर, वही सबसे ज्यादा जो कमा रहा वही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट भी करेगा। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एग्जिबिटिंग इंसिडेंस ऑफ इंडेबटनेस एज पर नाफिट रिपोर्ट, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ, विच स्टेट हैज एग्जिबिटेड हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ इंडेबटनेस एज पर नाफिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने तो आईओआई पढ़ लिया कितना परसेंट हो रहा, बट ये सबसे ज्यादा जो कंडीशन है, सबसे ज्यादा डेट किस स्टेट में ले रहे हैं लोग, हाईएस्ट इंसिडेंस कहाँ से मिल रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना, निशांत सिंह तेलंगाना, नवीन सिंह तेलंगाना, एनीबडी एल्स, महाराष्ट्र, रजत सिंह महाराष्ट्र, ओके महाराष्ट्र, तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं नाफिस रिपोर्ट क्या कहता है, नाफिस रिपोर्ट का आप देखिए सबसे ज्यादा ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट इज 79% जो है वो किसके लिए है, तेलंगाना के लिए। ठीक है, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा इंसिडेंस आईओआई जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, इट इज मैक्सिमम इन तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र से रजत, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा इट इज इन तेलंगाना ओनली। Which type of agriculture household has maximum tendency to borrow loan? इसका answer भी आपको पहले ही मिल चुका होगा, this graph I have represented earlier also. तो जो different land categorization किया है NABARD ने, उसके हिसाब से किस category of people land जिनके पास है वो सबसे ज्यादा loan ले रहे हैं। इतने छोटे lands हैं तो निशांत they will not prefer loan, ठीक है, छोटे में ऐसे ही काम चल जाता है, तो as per NABARD जिनके पास भी 2 hectare उससे ज्यादा है वो लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो 2 hectare वाले ज्यादा, इट इज कमिंग अराउंड 50% जो है इनका कंट्रीब्यूशन है लोन। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मोर देन 2 hectare। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड टू ऑनली इंस्टीट्यूशनल लोन, ठीक है, एज पर नाफिस रिपोर्ट, तो हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, देख लेना इसको थोड़ा सा, व्हाट इज द बेसिक पर्पस फॉर विच मैक्सिमम हाउसहोल्ड हैव टेकन लोन, बताओ क्या होगा कॉमन लॉजिक से, व्हाट इज द बेसिक, किसके लिए सबसे ज्यादा लोन लिया गया है एज पर नाफिस रिपोर्ट, किस चीज के लिए,
D maximum answer is coming out to be D. That's why I have taken this question. इस question में error होने के chances हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ये question लिया है. So the right answer as per NABARD for this question is you can see to meet sundry domestic needs. It is coming around 25-32. All agricultural household या agricultural household ले लो. दोनों में देखो 25% और 32% सबसे ज्यादा यही पे होता है आपके पास, ठीक है? तो इसे आपको याद रखना है. ऑल एग्रीकल्चर 25% देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, बट आई हैव नॉट टेकन दिस ऑप्शन. तो यहाँ पे जो है 25% जो है टू मीट सेंडरी एक्सपेंसेस के लिए ले रहे. कैपिटल के लिए तो ठीक है, आप लोगे ही लोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट अगर हम इस तरह की बात करें तो हेयर इफ योर फॉर योर मीट द सेंडरी डोमेस्टिक नीड्स. बिकॉज कैपिटल रहता तो दैट कैन बी इजिली फाउंड इट आउट. कैपिटल नीड्स के लिए तो लोन सबसे ज्यादा लेनी है. बट इफ इट इज नॉट देयर, आप याद रखिएगा डोमेस्टिक से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि हाउसिंग पर्पस के लिए या मेडिकल एक्सपेंस के लिए, दैट इज नॉट. बट द आंसर विल बी टू मीट द सेंडरी डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है? इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड, और सारे मैंने ग्राफ्स भी आपको देख लिए. एक बार फिर आप देख लोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. व्हाट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड आर एसोसिएटेड विद वन एसएचजी एज पर नाफिस. फिर से माइक्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाती है, ठीक है? वीरेंद्र सिंह 22%, गुड. इसको फिर आप यूज कर सकते हो. दिस पॉइंट अगेन यू कैन यूज इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर. तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इन्होंने साफ साफ क्लियरली बताया है कि एसएचजीएस में देखो 20.3 है इंक्लूजन. अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 22.7 है. ऑल हाउसहोल्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको आपको याद रखना है. अगर हम एग्रीकल्चरल सोर्स की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 22% है, 21.6. तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर वाला याद रखिए, 21.6 कहाँ है. सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं ना कहीं मेंबर है, एक ना एक मेंबर फैमिली का. एंड एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड में इट्स 23.6. ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि बेसिक थीम ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि एसएचजी में कितने परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं, माइक्रो फाइनेंस में कितने परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कि ओवरऑल एक व्यू देता है पूरे इस रिपोर्ट के बारे में. तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, बट आई थिंक हैज टोटली कवर्ड द ओवरऑल रिपोर्ट. जो है पूरा एक ओवरऑल रिपोर्ट कवर कर लिया है इस 35 क्वेश्चंस ने. साथ साथ जो मैंने ग्राफ दिए हैं उसको भी एक बार थोड़ा सा विजुलाइज कर लोगे पॉज करके, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहां से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एक आइडिया डेवलप हो जाएगा एंड यू कैन मार्क द राइट आंसर वेरी इजिली इफ दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? तो आई विल एंड द सेशन. आई थिंक इट हैज टेकन अराउंड 1 hour. सो इज इट ओके? एनीबडी एल्स यू वांट टू आस्क? या आई विल अपलोड दिस, आई हैव रिकॉर्डेड दिस प्रतीक, आई विल अपलोड दिस, ठीक है? एग्रीकल्चर सेशंस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो द एग्रीकल्चर जितने भी रिमेनिंग है, ठीक है? मैं कल से स्टार्ट करूंगा एंड इट्स माई कमिटमेंट. I will cover each and everything. Whatever जितने भी master notes है, मेरा commitment है ये. I will cover all the things. ठीक है वैभव, third भी मैं कर दूंगा. Tomorrow, from tomorrow onwards, I will start the agricultural sessions and I will cover each and everything. Right? तो चलिए, I will end the session with all your permission. Thank you. Good night. ठीक है, मेहनत कीजिए. 30 days अपना पूरा effort डालिए, फिर तो आराम करना ही है. Revision पे insist कीजिए, that is more important. Material के पीछे मत भागो, ठीक है? Revision करो, that is more important, ठीक है? Anything else, you can ask me directly over the Telegram. Good night, everyone.